गुड मॉर्निंग एवरी वन. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक अ न्यूमेरिकल ऑन नकल जॉइंट. ओके, सो आई हैव रिटन अ क्वेश्चन ओवर हियर. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आई स्कीम क्वेश्चन पेपर फॉर 6 मार्क्स. एंड ये सब तुम लोग रिमेंबर दैट कि मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करूँगी और जो भी न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूँगी और जो भी थ्योरी क्वेश्चंस लेगी वो सब के सब किसी न किसी रीसेंट क्वेश्चन पेपर के ही होगी. ओके, सो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो वील स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल ऑफ द नकल जॉइंट. ओके, सो क्वेश्चन इज डिजाइन अ नकल जॉइंट टू ट्रांसमिट 150 kN. The design stresses may be taken as 75 MPa in tension, 60 MPa in shear and 150 MPa in compression. Okay, so the load which is going to bear by the joint is 150 kN. So this will be W. You can write down the given data that as W is given 150 kN. Now the stresses are given. The stress in tension, permissible stress sigma T is given 75 MPa. Now MPa is nothing but Newton per millimeter square. So whenever we'll put W, we'll put it in Newton. So 150 × 10⁻³ Newton. It will be 150 × 10⁻³ Newton. Sigma T is given 75 MPa. Now shear, tau is given, permissible shear stress is given 60 MPa, and sigma CK, compression is given, so that is actually the crushing stress, so 150 MPa. So these are the given data and we have to design a knuckle joint. Okay, so what we'll do, we'll see the knuckle joint, the different alphabets which we are going to calculate. Okay, so there are mainly three parts of the knuckle joint. One part is this. This is single eye. This is called single eye. Single eye. जो दो शाफ्ट को हमको ज्वाइंट करना है उसका एक एंड जो है वो हमने सिंगल आई जैसा बना दिया है. सो द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज स्मॉल लेटर डी. द थिकनेस ऑफ द सिंगल आई, इसके लिए हम लोग स्मॉल लेटर टी लेते हैं. ओके, नाउ the next part is double eye, or this is also called fork. This is fork. This is fork. So दूसरी shaft जो join करनी है उसका end जो है वो हम लोग उसको fork का shape देंगे. दिस इज कॉल्ड डबल आई और फोर्क एंड. ओके, दोनों में से कुछ भी तुम इसको बोल सकते. इसमें जो डायमेंशन है, द थिकनेस ऑफ द डबल आई, इसके लिए हम लोग टी वन अल्फाबेट लेते हैं. ओके, टी वन अल्फाबेट. नाउ द थर्ड पार्ट इज नकल पिन. सो दिस इज नकल पिन. दोनों के बीच में जो इंसर्ट की हुई रहती है नकल पिन, जो एक्चुअली ये जॉइंट को मेंटेन करती है, नकल पिन. नाउ मेनली ये जो नकल पिन है इसका डायमीटर है, दिस डायमीटर इज डी वन. ओके, एंड ये जो डी वन डायमीटर है दिस इज फॉर नकल पिन. दिस इज नकल पिन. This is for knuckle pin as well as it is inner diameter of the single eye as well as inner diameter of the double eye. Okay, so ye sare diameters ek hi hai, that is D1. Now the outer diameter of the single eye or the outer diameter of the double eye, this is D2. Now the diameter of the collar, or we can show that diameter over here also, because diameter of collar and diameter of the pin head ये दोनों हम लोग सेम ही लेते हैं, दैट इज D3. ओके, एंड द थिकनेस ऑफ द कॉलर इसको हम लेते हैं T2. ओके, सो दीज मेनी अल्फाबेट्स आर देयर विच वी आर गोइंग टू डिजाइन नाउ. D, D1, D2, D3, T,
T1 एंड T2. ओके, सो दिस पार्ट इज कॉलर. ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे डाला हुआ, ये कॉलर है और उसके अंदर ये एक स्प्लिट पिन रहती है. स्प्लिट पिन इज अ लॉकिंग डिवाइस, ये लॉक करती है. इसकी वजह से जो नकल पिन है वो अपनी पोजिशन मेंटेन करती है. दिस इज स्प्लिट पिन. सो दिस इज वेरी सिंपल डायग्राम एंड इसमें मैंने सभी डायमेंशंस बता दिए जो हमको डिज़ाइन करना है. सो देर आर मेनली 4 स्टेप्स इन डिज़ाइन. नाउ वील टेक इट 1 by 1. स्टेप नंबर वन ये रहता है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट. हमेशा हम लोग इसी स्टेप से स्टार्ट करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट. ओके, हमको क्या करना था, डिज़ाइन में पर्टिकुलर कौन सा अल्फ़ाबेट हम डिज़ाइन करने वाले वो अल्फ़ाबेट मेंशन करते हैं वहाँ पर, और किस फेलियर, कौन सा वाला स्ट्रेस हम फेलियर के लिए कंसीडर करते हैं वो लिखते हैं. सो हम फेलियर ड्यू टू टेंशन वाला हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले. ठीक है, सो दिस इज फेलियर ड्यू टू टेंशन, मतलब फेलियर ऑफ शाफ्ट ड्यू टू टेंशन. ओके, शाफ्ट की हेडिंग के अंदर है तो फेलियर विल बी कंसीडर्ड फॉर द शाफ्ट. ओके, सो इसके लिए हम लोग जो कट सेक्शन लेंगे वो कहाँ का ले रहे हैं, बिकॉज कट सेक्शन पे जो एरिया होता है विच इज़ व्यू इन साइड व्यू वो लेते हैं हम लोग. ठीक है, सो ये सर्कुलर शाफ्ट के लिए वो एक सर्कुलर एरिया रहेगा. सो फेलियर ड्यू टू टेंशन के लिए हम लोग का जो स्ट्रेस का इक्वेशन बनेगा, दिस इज ड्यू टू टेंशन. सो सिग्मा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर. ओके, नाउ विल पुट द गिवन डेटा एंड विल कैलकुलेट द डायमीटर स्मॉल लेटर डी. सिग्मा टी इज गिवन 75 इज इक्वल टू डब्ल्यू इज गिवन 150 इंटू 10^3 डिवाइड बाय पाई बाई 4 डी स्क्वेयर. नाउ दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स. विल चेंज द साइड ऑफ अननोन. डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 150 इंटू 10^3 इंटू 4 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो इट विल गो इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय पाई इंटू 75. और इसका जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग रूट ले लेंगे बिकॉज ये डी स्क्वेयर है. ठीक है, नाउ फॉर सॉल्विंग दिस यू नीड योर कैलकुलेटर. ओके, सो कैलकुलेटर ले लेती हूँ मैं. 150 इंटू 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय पाई इंटू 75. आई यूज द ब्रैकेट्स. सो क्या होगा, मुझे आंसर जो है क्विकली कम से कम स्टेप्स टाइप करके मिल जाएंगे. द आंसर इज 50.46 मिलीमीटर. अभी तुमको सबको पता है कि मैं क्या करती हूँ, इसके बाद इसको नेक्स्ट इवन नंबर को राउंड कर देते. सो डायमीटर विल टेक एज 52 मिलीमीटर. सो वी गॉट डी, स्मॉल लेटर डी, द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप नंबर टू. नाउ वॉट इज स्टेप नंबर टू इन नकल जॉइंट. स्टेप नंबर टू इज फिक्स अदर डायमेंशंस बाय इम्पिरिकल रिलेशंस. ना इम्पिरिकल रिलेशंस जो वो हमको मिल चुके हैं बहुत सारे, मैंने तुमको इम्पिरिकल रिलेशंस दिए नकल जॉइंट के, ऑलमोस्ट सारे ही अदर डायमेंशंस के दिए. ठीक है, ना अभी हमको सिंपल यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलेज नहीं लिखना है बल्कि वो कौन सा वाला डायमेंशन तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो मेंशन करना है यहाँ पर. ठीक है, सो मैं वो एक के बाद एक लिखते जाएंगी यहाँ पे. ना फर्स्ट डायमीटर ऑफ द नकल पिन D1, डायमीटर ऑफ नकल पिन दैट इज D1. सो D1 का स्मॉल लेटर D से क्या रिलेशन होता है, वी टेक बोथ एज सेम. सो D1 मिल गया मुझे, D 52 है तो D1 विल ऑल्सो बी 52 मिलीमीटर. ये एक डायमेंशन मिल गया मुझे. नाउ नेक्स्ट इज, अभी ये जो होता है D1, यही इनर डायमीटर है सिंगल आई का, यही इनर डायमीटर है डबल आई का या फोर्क एंड का. ना आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ सिंगल आई और डबल आई दोनों के लिए सेम होता है वो, दैट इज D2. ये कितना होता है, दिस इज 2 times ऑफ D होता है. नाउ D इज 52, सो 2 into 52 D2, दिस विल कम 52 into 2, 104 मिलीमीटर. सो D2 मिल गया मुझे 104 मिलीमीटर.
Now next is diameter of knuckle pin head. Diameter of knuckle pin head, that is D3, या वही होता है diameter of collar. Collar का diameter same ही होता है, so that is D3. ये D2 था, this is D3. D3 के लिए relation होता है 1.5 times of D होता है वो, so 1.5 into D is 52. 52 into 1.5, that is 78 millimeter. So D3 is 78 millimeter. Okay. Now next is thickness of single line. Thickness of single eye. Single eye की thickness हम लोग लेते हैं small letter T. उसके लिए empirical relation होता है D के साथ. It is 1.25 times of D. So 1.25 into 52. It is 65 millimeter. ये thickness भी मिल गया मुझे. Now next is thickness of double eye. Thickness of double eye और thickness of forken. इसके लिए हम लोग T1 लेते. T1 होता है 0.75 of D होता है. So 0.75 into 52, small letter D मेरा 52 है. So मेरा T1 आ गया 0.75 into 52, it is 39 millimeter. यूनिट याद से लिखना है सब लोगों को, कैलकुलेशन के साथ यूनिट के साथ ही आंसर लिखना है. नाउ लास्ट रह गया है T2, दैट इज थिकनेस ऑफ कॉलर. थिकनेस ऑफ कॉलर दैट इज T2, ये T2 होता है और T2 के लिए रिलेशन है 0.5 टाइम्स ऑफ D, हाफ होता है ये डायमीटर के. सो 0.5 इंटू 52, सो T2 मिल गया मुझे 0.5 इंटू 52, इट इज 26 मिलीमीटर. ठीक है, सो मुझे सारे ही जो डायमेंशंस है वो एम्पिरिकल रिलेशन से मिल गए. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3. नाउ इट इज स्टेप नंबर 3. नाउ वील चेक वन बाय वन. फर्स्ट वील चेक सिंगल आई एंड नेक्स्ट वील चेक डबल आई. सो स्टेप नंबर 3 है चेक सिंगल आई फॉर वेरियस स्ट्रेसेस. ठीक है, इन दैट फर्स्ट वन इज फेलियर. पहला स्ट्रेस हम कौन सा कंसिडर करते हैं, फेलियर ड्यू टू टेंशन. नाउ अगर तुम लोगों ने मेरी जो मैंने तुम लोगों को फॉर्मूलेज लिखाए हैं उसको अच्छे से लिस्ट आउट किए रहेंगे, दैट विल बी यूजफुल नाउ. ठीक है, वो अभी तुमको यहाँ पर काम आएंगे, फेलियर ड्यू टू टेंशन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेलियर ड्यू टू टेंशन फॉर सिंगल आई. ठीक है, सिंगल आई का सेक्शन हम कहाँ पर लेंगे, विल टेक एट द होल. होल पर लेंगे, यहाँ पर होल है ना. ठीक है, होल फॉर पिन जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग उसका सेक्शन लेंगे. तो व्हाट विल बी द सेक्शनल एरिया फॉर सिंगल आई ओवर हियर. ठीक है, सेक्शनल एरिया साइड व्यू में जो विजिबल होगा वो क्या रहेगा एक होल के पास. ठीक है, सो वो क्या रहेगा, अगर तुम उसको ड्रॉ करके देखना चाहते हो तो वो इस तरह से बनेगा. ये होल के लिए बच गया हुआ एरी डायमेंशन है, दैट इज D1 है ये एंड दिस इज D2. तो ये वाला जो एरिया है, दिस सेक्शनल एरिया विल बी अंडर द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस. मैक्सिमम टेंशन में ये रहेगा एंड इसका जो थिकनेस होता है ये स्मॉल लेटर T होता है सिंगल आई के लिए. ओके, सो फेलियर ड्यू टू टेंशन. फेलियर ड्यू टू टेंशन में ये जो एरिया ये यूज होने वाला है. ठीक है, तो ये एरिया के लिए तुम इक्वेशन बना सकते हो. टेंशन है इसलिए सिग्मा T इज इक्वल टू W अपॉन दिस इज D2 माइनस D1
इंटू टी, इसमें डी वन डी टू टी ये सब नोन है, हमको क्या करना है डब्ल्यू डी वन डी टू और टी ये सब का वैल्यू रखकर चेक करना है कि कितना टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होता है मटेरियल के अंदर. दैट टेंसाइल स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन दिस परमिसिबल वैल्यू ऑफ गिवन परमिसिबल वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज 75 मेगापास्कल. सो 75 तक है या 75 से कम है तो इट इज सेफ, अदरवाइज दिस डायमेंशन विल बी चेंज, उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. तो हम चेक करेंगे कि वो सेफ है या नहीं. सो डब्ल्यू का वैल्यू रख दिया मैंने 150 इंटू 10 रेस टू 3 डिवाइड बाय डी टू माइनस डी वन. डी टू कितना आया था मेरे को 104 माइनस डी वन आया था 52 इंटू स्मॉल लेटर टी आया है 65. ठीक है, तो मैं ये सारी वैल्यूज रखकर इसको मुझे सिर्फ चेक करना है. बहुत ही सिंपल है कंपेयर टू क्वार्टर जॉइंट के, ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, मुझे रखना है 150 इंटू 1000, 10 रेस टू 3 को मैंने 1000 डाला है डिवाइड बाय है, आई यूज डबल ब्रैकेट बिकॉज अंदर एक मुझे माइनस भी करना है, 104 माइनस 52 इंटू 65. सो हाउ मच दैट इज 44.37 मेगा पास्कल. दिस इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ डब्ल्यू मेरा न्यूटन में है और नीचे के सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में है, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, दैट इज नथिंग बट मेगा पास्कल. सो सिग्मा टी जो है कितना उसमें टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होता है 44.37 मेगा पास्कल जितना. ओके, एंड द लिमिट गिवन इज 75 मेगा पास्कल. सो सिंस सिग्मा टी इज 44.37 मेगा पास्कल विच इज वेरी लेस देन 75 मेगा पास्कल, देयरफॉर डायमेंशंस आर सेफ, इट कैन बेयर दिस मच टेंसाइल स्ट्रेस. सो फेलियर ड्यू टू टेंशन में डायमेंशंस आर सेफ. नाउ विल चेक द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द फेलियर और सेकेंड पॉसिबल कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस, दैट इज फेलियर ड्यू टू क्रश. नाउ मैं क्रश के लिए फिर से तुमको रिवाइज कर दूँ. क्रशिंग स्ट्रेस वहाँ इंड्यूस होता है जहाँ पे दो मैकेनिकल पार्ट्स एक दूसरे के साथ प्रेस्ड कॉन्टैक्ट में होते हैं एंड देर इज नो इंटर रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. ठीक है, सो वहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस होता है, हम क्रश के लिए उसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो हमारा जनरली ये जो डाइग्राम होता है इसके अंदर टेंशन को छोड़ के जो बाकी का एरिया होता है ये क्रश के लिए रहता है. ठीक है, सिंगल आई के लिए ये डायग्राम बनाया हुआ, तो ये वाला एरिया जो है वो क्रश के लिए रहेगा. तो दैट एरिया इज वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है, सिलेंड्रिकल एरिया कंसिडर नहीं करना है उसका प्रोजेक्टेड एरिया. तो डी वन इंटू टी ये उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है. नाउ सिग्मा सी के इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी वन इंटू टी. सो मैं डब्ल्यू का वैल्यू रख देगी यहाँ पे 150 इंटू 10 रेस टू 3 डिवाइड बाय डी वन. डी वन कितना लिया था मैंने, डी वन हमारे पास 52 है इंटू टी जो है वो 65 है. विल चेक हाउ मच क्रशिंग स्ट्रेस विल इंड्यूस, इट शुड बी लेस देन 150 मेगा पास्कल बिकॉज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज गिवन 150. सो 150 इंटू 1000 डिवाइड बाय 52 इंटू 65. सो आंसर इज अगेन 44.37 मेगा पास्कल विच इज एक्चुअली लेस देन सेफ लिमिट ऑफ 150 मेगा पास्कल. सो देयरफॉर डायमेंशंस आर सेफ फॉर क्रशिंग स्ट्रेस. ओके, तो यहाँ तक कि मेरा हो गया. नाउ द थर्ड पॉसिबल फेलियर, इट मे बी बिकॉज ऑफ द शियर स्ट्रेस. ओके, सो विल चेक इट फॉर द शियर. नाउ नकल जॉइंट जो है उसका ये एक अच्छा एडवांटेज है, हमको ज़्यादा फॉर्मूलेज याद नहीं रखने. जो टेंशन वाला है सिंगल आई का वो सेम शियर का भी है. सो विल चेक फेलियर ड्यू टू शियर, फेलियर ड्यू टू शियर स्ट्रेस. ओके, तो मेरे को मिल गया टाउ के लिए इक्वेशन डब्ल्यू अपॉन जो टेंशन वाला था सेम फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, दैट इज डी टू माइनस डी वन इंटू टी. सो ऑब्वियसली द वैल्यू भी सेम आएगी, अगर ये सारे डायमेंशन मैं सेम ही रखने वाली हूँ तो टाउ भी मुझे आ गया 44.37 मेगा पास्कल. एंड टाउ का परमिसिबल लिमिट दिया हुआ है जो वो है 60 मेगा पास्कल, 60 दिया हुआ है. तो सिंस टाउ इज इक्वल टू 44.37 मेगा पास्कल विच इज लेस देन द परमिसिबल वैल्यू दैट इज 60 मेगा पास्कल, सो डिज़ाइन इज सेफ.
डिज़ाइन इज सेफ फॉर शीयर. तो मेरा टेंशन में भी सेफ आ गया, क्रशिंग में भी सेफ आ गया, और शीयर के लिए भी सिंगल आई एंड के सारे डायमेंशंस सेफ आ गए. ओके ठीक है. नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4. विल चेक द डबल आई. सेम इसी तरह से आपको डबल आई चेक करना है. सो स्टेप नंबर 4, चेक डबल आई. ओके, डबल आई के लिए डायमेंशंस को हमको चेक करना है. ठीक है, सो फर्स्ट फेलियर हम कंसीडर करेंगे, फेलियर ड्यू टू टेंशन, टेंशन के लिए. नाउ वेयर विल बी द क्रॉस सेक्शन, कौन सा सेक्शन हम कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली होल पर जो सेक्शन आएगा वही वीकेस्ट सेक्शन होएगा. यही मेरा सेक्शन है फॉर डबल आई के लिए, जहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होएगा एंड दैट प्लेन ऑफ द एरिया विल बी विजिबल फ्रॉम द साइड व्यू. ठीक है, तो तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो, उसको देख सकते हैं कि वो एरिया कितना रहेगा, हाउ मच विल बी दैट एरिया डबल आई के लिए. ठीक है, अगर तुम उसका डायग्राम बनाकर देखना चाहते हो तो दैट डायग्राम विल बी लाइक दिस. This is that diagram. And ये जो मैं hatching कर रही हूँ, this is the area which is under maximum tension. So this inner diameter जो है ये pin का diameter है, this is D1. And the outer diameter of the double eye end is D2. And the thickness of the fork end is T1. ओके, दोनों साइड पे ऊपर और नीचे ऑन बोथ द साइड दैट थिकनेस इज T1. सो दिस हैचिंग किया हुआ इतना एरिया. ठीक है, यू कैन इजीली फॉर्म द फॉर्मूला फ्रॉम देयर. ठीक है, और फॉर्मूला तुम मुझे आसानी से बता सकते हो, तुमने ये फॉर्मूला लिस्ट आउट किया रहेगा. ठीक है, सिंपल और छोटे से फॉर्मूले से नकल आई के लिए, तो तुम उसको आसानी से याद भी रख सकते हो. सो सिग्मा टी इज इक्वल टू दैट फॉर्मूला इज W अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D2 माइनस D1 इंटू T1. ठीक है, क्या चेंज हुआ है फॉर्मूले में सिंगल आई से डबल आई में? वहाँ पे D2 माइनस D1 इंटू T था सिर्फ, क्योंकि थिकनेस सिंगल आई का स्मॉल लेटर T था, डबल आई का थिकनेस T1 है, तो वो यहाँ पे कर दिया. सिंगल आई में सिंगल एंड था इसलिए ये सिर्फ D2 माइनस D1 इंटू T था, बट यहाँ पर वो डबल है 4 के ऊपर और नीचे, तो उसको 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. बाकी जो इनर डायमेंशन एंड आउटर डायमेंशन है वो सिंगल आई एंड और डबल आई एंड दोनों के लिए सेम है. ओके, नाउ विल पुट द वैल्यूज एंड विल चेक इट फास्ट दैट के टेंसाइल स्ट्रेस कितना इंड्यूस होता है. सो W इज गिवन 150 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 2, दिस इज 104 माइनस 52 इंटू T1. T1 हमारा कितना आया था एक बार चेक कर लेते हैं, इट इज 39. T1 जो है वो मेरा 39 आया था. ओके, सो अब मैं ये कैलकुलेटर में चेक करेगी इस टेंसाइल स्ट्रेस जिसमें इंड्यूस हो रहा है वो परमिसिबल लिमिट जो दी हुई है 75 MPa की, उतना या उससे कम होना चाहिए. 150 इंटू 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 39 इंटू आई यूज डबल ब्रैकेट 104 माइनस 52 क्लोज बाय डबल ब्रैकेट्स, दिस इज 36.98. यहाँ पे तो और भी कम है, 36.98 MPa. W इज इन न्यूटन एंड डिनोमिनेटर के जो डायमेंशन है वो सारे मिलीमीटर में है. सो सिग्मा टी मेरा इतना आ गया. तो सिंस सिग्मा टी इज 36.98 MPa, विच इज लेस देन द परमिसिबल वैल्यू, एंड द परमिसिबल वैल्यू इज गिवन 75 MPa, डिजाइन इज सेफ. देयरफॉर डिजाइन इज सेफ. ओके, सो टेंशन के लिए फोर्क एंड सेफ है, हमारे डायमेंशन सेफ है. नाउ विल चेक फॉर क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग के लिए चेक करेंगे इसको. ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो डायग्राम होता है उसमें ये वाला जो एरिया बच जाता है हैचिंग के बाजू में, इतना क्रश के लिए रहता है. ठीक है, वो प्रोजेक्टेड एरिया ही होता है. ठीक है, तो ये है मेरा D1 इंटू T1 डबल ऊपर नीचे, तो 2 टाइम्स ऑफ D1 इंटू T1. सो सिग्मा सी के लिए मेरा फॉर्मूला बन गया W अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D1 इंटू T1. ओके, सो W है 150 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 2
डी वन इज 52 एंड टी वन कितना आया था अपना जरा एक बार वहाँ से चेक कर लो. टी वन आया था मुझे 39. तो कितना आता है ये अपना अपना कैंसिल यूज़ करने का, मेरे साथ कैलकुलेशंस करके देखने का. समझ गया बोलकर अगर छोड़ दोगे कभी नहीं समझ पाऊँगी. 36.98, दिस इज़ ऑल्सो 36.98 मेगा पास्कल सिग्मा सी के. ठीक है, सो विच इज़ एक्चुअली लेस देन हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ क्रशिंग, दैट इज़ 150 मेगा पास्कल. तो 150 मेगा पास्कल से ये कम है. सो दिस इज़ डिज़ाइन लिखो या डायमेंशंस लिखो चलेगा, डिज़ाइन इज सेफ. ओके, नाउ आई विल चेक फॉर शीयर स्ट्रेस. चेक फॉर शीयर फेलियर. ओके, चेक फॉर शीयर फेलियर. सो टाउ, टाउ के लिए हमारा क्या रहता है, नकल में जो टेंशन का रहता है फॉर्मूला, सेम टाउ के लिए रहता है. सो आई राइट डाउन द सेम फॉर्मूला. अगर मैं सेम वैल्यूज पुट करूँ तो मुझे सेम ही, तुम लोग मेरी तरह से डायरेक्ट आंसर मत लिखो, यहाँ पे पूरी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकालो. ठीक है, क्योंकि तुमको इसके मार्क्स मिलने वाले हैं. ये 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है. ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 36.98 मेगा पास्कल एंड टाउ का परमिसिबल लिमिट है 60 मेगा पास्कल. देखो, सिंगल आई और डबल आई के लिए मटेरियल का लिमिट जो है वो सेम ही, एक ही परमिसिबल एक ही दिए हुए, टेंशन के लिए एक, शीयर के लिए एक, कॉम्प्रेशन के लिए एक. मतलब सिंगल आई एंड डबल आई एंड पिन, ये सब का मटेरियल इज कंसिडर्ड सेम. जब भी एक ही स्ट्रेस दिया हुआ रहेगा तो हम सारे मटेरियल के लिए सेम ही लेंगे. तो सिंस टाउ इज 36.98 मेगा पास्कल विच इज़ लेस देन द परमिसिबल वैल्यू दैट इज 60 मेगा पास्कल, सो डिज़ाइन इज सेफ. हमने लिख दिया यहाँ पे डिज़ाइन इज सेफ. ओके, सो वी हैव चेक्ड ऑल द डायमेंशन. नाउ वील चेक द शीयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द नकल पिन ऑल्सो. पिन का भी एक बार चेक कर लेंगे. पिन में एक ही टाइप के शीयर हम कंसीडर करते हैं, दैट इज डबल शीयर के लिए उसका फेलियर कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो वील चेक दैट इज स्टेप नंबर. ये शायद मैंने फॉर्मूलेस में नहीं लिखा है ये स्टेप, बट वो तुमको वो भी करके बतानी है वहाँ पे. दैट इज स्टेप नंबर अभी हमारी कितनी हो जाएगी, 4. और अभी तक हमारा स्टेप नंबर 4 हुआ है, तो स्टेप नंबर 5. ठीक है, चेक पिन मतलब नकल पिन फॉर शीयर फेलियर के लिए चेक करेंगे हम नकल पिन को. सो टाउ डब्ल्यू अपॉन शीयर पिन के लिए कौन सा एरिया कंसीडर होगा. ठीक है, देखो ये शीयर पिन जो है वो यहाँ पे एक फेल होने वाली है और यहाँ पे ये उसका शीयर का फेलियर है, बिकॉज यहाँ पे वो दूसरे पॉइंट पार्ट्स के साथ में कनेक्शन में है. तो व्हेन इट विल फेल, एक ये रहेगी फेलियर प्लेन और एक ये रहेगी. सो द फॉर्मूला विल बी पाई बाई 4 डी वन स्क्वेयर. एक के लिए तो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 टू डी वन स्क्वेयर, दोनों प्लेन्स कंसीडर हो जाएंगी. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 डी वन स्क्वेयर. ठीक है, सो इतना रहेगा द फेलियर ऑफ द नकल पिन इन डबल शीयर. तो कितना स्ट्रेस इंड्यूस होता है मैं चेक कर लेगी, 150 इंटू 10 रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू पाए इंटू डी वन स्क्वेयर. डी वन मेरा आया था 52 का स्क्वेयर. 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा. ओके, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि शीयर पिन में कितना नकल पिन में कितना शीयर स्ट्रेस इंड्यूस होता है. सो 150 इंटू 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू पाए इंटू 52 इंटू 52. ओके, 52 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 35.31 मेगा पास्कल. ये भी बहुत कम आया है, बिकॉज परमिसिबल वैल्यू जो है वो शीयर स्ट्रेस की दी हुई है 60 मेगा पास्कल. पेशर में जो दी हुई है 60 मेगा पास्कल. सो सिंस द शीयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन थ्रू द नकल पिन इज 35.31 मेगा पास्कल विच इज लेस देन 60 मेगा पास्कल, सो पिन डायमेंशंस आर सेफ.
सो हमने इस तरह से चेक किया. पहले हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो सिर्फ एक ही कैलकुलेशन किया है. वी हैव डिज़ाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. डायमीटर शाफ्ट का डिज़ाइन करने के बाद हमने क्या किया, सारे ही एम्पिरिकल रिलेशंस यूज़ करके सारे अदर डायमेंशन जैसे D1, D2, D3, T1 एंड T2 ये सारे कैलकुलेट कर लिए. फिर वो डायमेंशंस रख के हर एक पार्ट को चेक किया कि उसमें इंड्यूस होने वाला जो स्ट्रेस होएगा वो कितना होगा. ठीक है, वो उसको कंपेयर किया हमने परमिसिबल वैल्यू, गिवन परमिसिबल वैल्यू से. अगर उससे कम या उसके इक्वल है तो डायमेंशन डिज़ाइन आर सेफ, अदरवाइज वी हैव टू चेंज द डायमेंशन. चाहे डायमेंशन चेंज करने पड़ते, मगर लकीली यहाँ पर सारे ही डायमेंशंस जो हमने डिज़ाइन किए हैं उसमें उसकी वजह से जो भी स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो सारी स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो परमिसिबल वैल्यू से कम है. ठीक है, सो इसका मतलब डिज़ाइन इज सेफ प्रॉपरली. ओके, लास्ट में हम लोगों ने शीयर पिन को भी चेक कर लिया, यहाँ पे भी डिज़ाइन इज सेफ. सो इन दिस वे वी कैन अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल ऑफ द नकल जॉइंट. क्वार्टर जॉइंट में ही सबसे ज़्यादा स्टेप्स और सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन, उसके बाद जितने भी डिज़ाइंस है वो सिंपल है. ठीक है, अभी इसके बाद एक छोटा सा थियरी टॉपिक है जो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आई स्कीम में वो आएगा ही. ठीक है, जैसे कि ये है वो टॉपिक. कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन क्वार्टर जॉइंट एंड नकल जॉइंट. जिनके पास बुक है वो बुक में से भी देख सकते हैं या तो फिर तुम यहाँ से भी देख सकते हो उसको. द कंपैरिजन बिटवीन क्वार्टर जॉइंट एंड नकल जॉइंट. सो क्वार्टर जॉइंट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग बोथ टेंसाइल एज वेल एज कॉम्प्रेसिव लोड, वेर एज द नकल जॉइंट कैन टेक ओनली टेंसाइल लोड. नाउ क्वार्टर जॉइंट के नॉट परमिट द एंगुलर मूवमेंट बिटवीन रॉड्स बिकॉज वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो वो एंगुलर मूवमेंट नहीं दे सकता है. जबकि नकल पिन जो होती है वो सर्कुलर होती है, राउंड शेप में होती है, तो इट परमिट्स द लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट बिटवीन द रॉड्स. ओके, द क्वार्टर इज नॉट सब्जेक्टेड टू बेयरिंग फेलियर एंड नकल पिन इज सब्जेक्टेड टू बेयरिंग फेलियर. ठीक है, बेयरिंग फेलियर मैंने तुमसे डिस्कस नहीं किया, बट इतना याद रखो कि जहाँ पे दो पार्ट्स में अगर इंटर रिलेटिव मोशन पॉसिबल है तो वहाँ पर बेयरिंग फेलियर कंसिडर करना पड़ता है. क्वार्टर में वो पॉसिबल नहीं है इसलिए वहाँ पे हम लोग बेयरिंग फेलियर कंसिडर नहीं कर सकते हैं. बट सर्कुलर पिन जो है नकल पिन, वहाँ पे थोड़ा सर्कुलर एंगुलर मोशन पॉसिबल है इसलिए वहाँ पर बेयरिंग फेलियर कंसीडर होता है. ठीक है, नाउ द क्वार्टर जॉइंट इट इज़ नोन एज अ सिंगल क्वार्टर जॉइंट एंड जबकि नकल पिन के नकल जॉइंट को फोक पिन जॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ टेपर क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड टू क्वार्टर. क्वार्टर में टेपर एंड क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड. ये तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था, टेपर जो है वो क्वार्टर जो है वो स्लाइटली टेपर्ड होता है ऑन वन साइड सो इट विल नॉट फॉल डाउन ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन, इट विल नॉट फॉल डाउन. ठीक है, जबकि थियोरेटिकली नो टेपर और क्लियरेंस प्रोवाइडेड टू नकल पिन. नकल पिन को उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में. ठीक है, एंगुलर मूवमेंट जो है वो देने के लिए थोड़ा सा क्लियरेंस हो सकता है बट टेपर की कुछ ज़रूरत नहीं. ओके, नाउ क्वार्टर इज रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन वेयर इज नकल पिन इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड द एप्लीकेशंस आर गिवन. नीचे कुछ एप्लीकेशंस के पॉइंट दिए हुए, दो मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे वो पूछ सकता है क्वेश्चन में, आई स्कीम में दो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो वो पूछ सकता है कि राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ क्वार्टर जॉइंट. तो इतने चार अगर पॉइंट्स लिख दिए तो सफिशेंट है. क्वार्टर फाउंडेशन बोर्ड जॉइनिंग पिस्टन रॉड विद क्रॉस हेड जॉइनिंग टू रॉड्स विद अ पाइप बिग end of connecting rod of a steam engine and the applications of the knuckle joint that is also listed over here. Tie bar and roof truss, links of suspension bridge, wall mechanism, fulcrum of the lever, links of the bicycle chain and joint of the rail shifting mechanism. ये यहाँ पे लिखे हुए तुम अपने से भी सर्च करके लिख सकते हैं. ऊपर तुम देख सकते हैं कि स्प्लिट पिन जो है वो क्या होती है वो भी वहाँ पे बता दी है. मैंने तुमको बताया था स्प्लिट पिन का पोजीशन. स्प्लिट पिन जो होती है ये यहाँ पर होती है लगी हुई, मतलब जब नकल पिन इंसर्ट करते हैं और कॉलर डालते हैं तो कॉलर और पिन दोनों में ये एक सेम साइज का होल होता है, दैट इज़ फॉर स्प्लिट पिन. स्प्लिट पिन जो है वो ऐसे क्लिप जैसी रहती है, इंसर्ट करके उसके जो दोनों एंड है वो इस तरह से स्प्रेड कर देने का. देखो यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ, इससे क्या हो जाता है कि पिन जो है वो कॉलर के साथ में वहाँ पे लॉक हो जाती है. ठीक है, तो ये जो कॉलर जो है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉलर उसके साथ लॉक हो जाता है तो कॉलर विल नॉट फॉल डाउन. ठीक है, वो बराबर से वहाँ पर ही इट विल मेंटेन इट्स पोजीशन. ठीक है, एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर.
ठीक है, तो यहाँ तक के वी हैव कवर्ड द न्यूमरिकल एज वेल एज द थियरी पार्ट ऑफ क्वार्टर जॉइंट एज वेल एज द नकल जॉइंट. ओके, सो ऑलमोस्ट हाफ और मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर वी हैव कवर्ड अप टू दिस लेक्चर. ओके, सो गो थ्रू इट, मेक योर नोट्स एंड प्रैक्टिस इट प्रॉपरली.